कौन कह रहा पानी ले क्या हम्म ला लाओ बर्तन जिसमें जिसमे लेना किसमें लेके आऊ पानी इसके अंदर ले क्या करना कि तो आपने, आपने बस बैठना है ये बटन है बटन दिखा रहा कह रहा बटन है तो मैं नीचे लेने जा रही हूँ जी पानी मेरी ड्यूटी लगी लग है पानी लेके आना पानी मैं ले आई हूं और लाला के यहाँ पे एक दाबरे में बढ़ती जा रही हूं बस पारी। पारी अम्मी छत को कर रहे हैं साफ गोती शोती लगा रहे हैं यहाँ पे सिस्टर और अम्मी लगे हुए हैं और मैं जो है ना नीचे से पानी ला लाके तो इन्हें दे रही हूं बिसमिल्ल रन नाजरीन मैं आपकी होस्ट जैनी इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अब सब लोग खैरियत होंगे खुश होंगे आज फिर से एक मज़ेदार और बिल्कुल छोटी सी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी मुंजी यानी कि चावल की फसल को गढ़ लाने के बाद क्या किया जाता है हम क्या करते हैं वीडियो को आपने स्किप नहीं करना वीडियो को आपने पूरा देखना है और बोर बिल्कुल भी नहीं होना आप में से कोई दोस्त हमारे चैनल पे नया है तो फटाफट से हमारे चैनल को फॉलो कर लें और इंस्टा पे भी मेरा पेज है जैनी फूड सीक्रेट्स के नाम पर वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं मुंजी धान यानी कि चावल की फसल जो कल खेतों से ला के यहाँ रखी थी हवेली वाली साइड पर इतनी सी ही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये काफ़ी है सेल इसमें से हमने नहीं करनी और यहाँ पे आज हम मिल के इसे कर रहे हैं साफ पंखे के साथ क्योंकि इसके अंदर गंद काफ़ी होता है कूड़ा कक्षक जो भी होते हैं उन्हें पंखे के साथ साफ़ करना होता है अच्छी तरह मशीन के साथ जो कटाई की जाती है बाहर उसमें इतना गंद नहीं होता यानी कि उसे साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसे करने की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ी सी ये और बाकी ये थोड़ी सी सुबह साफ करके पंखे के साथ अच्छी तरह तो यहाँ सेहन में हमने डाली है खुश्क होने के लिए और थोड़ी सी रह गई है वो भी हम साफ़ कर लें अलहमदल्ला जी मुंजी हमने यहाँ पे कर ली है जी साफ तीन लोग हम लगे हुए थे मैं अम्मी जी और साथ में सिस्टर तकरीबन सुबह दस बजे हम लगे थे काम शाम करके और अभी बज गए हैं दो दो पूरे नहीं हुए तकरीबन पाँच दस मिनट हैं अभी दो बजने में और यहाँ पे ये यह थोड़ी सी डाल के रखी है दाबरू में इसे डाल हमने इस तौरे में इन जिंदगी रही तो अगले साल के लिए इसे रख रहे हैं यानी कि बीज जो लगाना है अगले साल वो ये हम रख रहे हैं अल्लाह ने चाह तो फिर अगले साल अभी फ़िलहाल करते हैं आज का काम ख़त्म और जनाब तीन चार घंटों में तकरीबन हमने अपना काम खत्म कर दिया इसे यहाँ पे डांप के रख दिया है मुंशी को इसे छत पे चढ़ाना है अभी नहीं वो सुबह हम चढ़ाएंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो नीचे ही हमने इसे कवर कर दिया और ये जी इसके अंदर से निकला है गंद कूड़ा जो भी कक कक शक थे ना ये सारा वही है कूड़ा है तो इसे जो है ना वापिस खेतों में लेके जाएंगे और वहाँ जो है ना इसे बिखेर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये किसी काम का नहीं है तो ये अब लोग ले जाएंगे मुंजी का काम ख़त्म करने के बाद टाइम हो गया था जी रात के खाने का हाथ मुंह धोने के बाद फ्रेश होने के बाद अभी जो है ना यहाँ पे मैं रात का खाना बनाने लगी हूँ अम्मी जी ने ली थी सब्जी आलू गोभी कह रहे थे बनानी है आज और वो भी कह रहे थे कि मट्टी की हांडी में बनाना तो अभी यहाँ पे तकरीबन तैयार होने वाला है मेरा सालन तो सालन बनाने के बाद मैं आटा गूँधूँगी और उसके साथ एक और काम है बिल्ली जो है ना वो थोड़ा हल्का थकी हुई है तो उसे थोड़ी रेस्ट है अभी ये मुंजी जो डाली थी सुबह इसका भी टाइम हो गया इकट्ठी करने का एक बच्ची को साथ लगाया हम दोनों मिलके करेंगे ये साफ़ वो आगे से इकट्ठी करती जा रही है और मैं पीछे से जो है ना जारो ले के तो यहाँ पे जो पीछे रह रही है ना इसे साफ कर लूंगी फटाफट से और उसके बाद हम रोटियां बनाएंगे एहन से मुंजी इकट्ठी करने के बाद आटा गूंथ के अभी आई हूँ जी मैं छत पे तो छत पे थोड़ा सा काम था मुंजी शुंजी तो अभी नहीं डाली ऊपर एक और काम था जो सुबह अमी लोगों ने छत साफ़ किया था गोबर की गोती शोती लगाई थी उसके बाद अभी कह रहे थे कि एक काम करके आना है आपने झाड़ू लगाना है यहाँ पे वो क्यों लगाना है इसके काम चेक करें ये बड़ा तंग करती है आके मेरी मानो का दूध पी जाती है उसका तो झारू लगाना था इसलिए कि गोबर की ना ये छोटी छोटी ऊपर गुलटियाँ बनी हुई हैं तो ये कह रहे थे कि एक दफ़ा झाड़ू लगा दो साफ़ कर दो मुंजी ऊपर डालेंगे तो वो मुंजी में मिक्स होंगी तो ये मैं ऊपर लगाने आई थी तो लगा लिया मैंने वो थोड़ा सा इकट्ठा हुआ था कूड़ा वो मैंने उठा के तो बाहर फेंक दिया तो दोस्तों यही थी मेरी आज की छोटी सी मज़ेदार सी वीडियो थोड़ी सी रह गई थी आपके साथ शेयर करने वाली कि गर्ल आके के तो इसके साथ क्या किया जाता है मुंजी के साथ इतना आसान काम नहीं है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो उम्मीदन शदन दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और एक प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों शुक्रिया आपकी चाहत का आपके इजहार का आपकी सपोर्ट का अल्लाह पाक सबको कामयाब करे अपने हिफ्जों ईमान में रखे आप सबके पीछे हमें भी कोई भी गलती हो गई हो तो माजरत दुआओं में याद रखिएगा जहनी को दीजिए इजाज़त हाफिज़